एसएससी परीक्षा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एसएससी क्या होता है और इस एग्जाम की तैयारी कौन कौन कर सकता है? तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसएससी का एग्जाम क्या है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में इसे कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जाना जाता है। यह एक केंद्रीय संगठन है। कर्मचारी चयन आयोग का मुख्य कार्य भारतीय सरकार विभागों में कर्मचारियों की भर्ती करना है। कर्मचारियों की भर्ती कई अलग अलग पदों पर होती है। इसके लिए परीक्षा कई श्रेणियों में विभाजित की जाती है, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जेएचटी आदि। आइए अब इन सभी एग्जाम्स को विस्तार से जान लेते हैं। नंबर 1, एसएससी सीजीएल एग्जाम। इस एग्जाम के आवेदन के लिए उम्मीदवार किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए। इसमें परीक्षा दो चरणों में होती है, टीयर 1 और टीयर 2। एसएससी सीजीएल परीक्षा में आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि जूनियर सांख्यिकी अधिकारियों के लिए उम्मीदवार 32 साल की आयु तक परीक्षा दे सकते हैं। नंबर 2, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम। इस एग्जाम में 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह एग्जाम 3 चरणों में लिया जाता है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। इसके बाद टाइपिंग और स्किल टेस्ट भी होता है, उसके बाद ही सिलेक्शन फाइनल होता है। एसएससी सीएचएसएल के आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। नंबर 3, एसएससी कांस्टेबल एग्जाम। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सुरक्षा बलों जैसे कि दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल और सीआरपीएफ में कांस्टेबल। इसके लिए उम्मीदवार 12वीं पास होना चाहिए। लिखित परीक्षा के बाद पीईटी यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है। एसएससी कांस्टेबल की परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नंबर 4, एसएससी एमटीएस एग्जाम। सरकारी विभाग में मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे फिटर, प्लम्बर, ड्राइवर, माली आदि पदों की भर्ती के लिए यह एग्जाम आयोजित किया जाता है। इस एग्जाम में 10वीं पास और आईआईटी ट्रेड हॉस्टलर्स आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों का भी 10वीं के मार्क्स के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। नंबर 5, एसएससी जेएचटी एग्जाम। अगर आपका हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग पर कमांड अच्छा है और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो ये एग्जाम आपके लिए है। इसमें उम्मीदवार 12वीं पास होने के साथ टाइपिंग स्पीड की योग्यता भी रखना चाहिए। जैसा कि शुरू में हमने प्रश्न किया था कि कौन कौन कर सकता है एसएससी की तैयारी, तो आपको इस प्रश्न का जवाब देते हैं अब संक्षिप्त में। बता दें कि एसएससी परीक्षा की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा एसएससी की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। हालांकि आवेदन पद के हिसाब से शैक्षिक योग्यता में अंतर हो सकता है। एसएससी की परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के लिए अलग अलग पदों की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता भी अलग अलग होती है। इसके अलावा कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाती है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग लोग और पूर्व सैनिक शामिल हैं। श्रेणी के आधार पर उन्हें 5 से 10 साल तक की छूट होती है, यानी वह सामान्य आयु सीमा से 5 या 10 साल ज्यादा की आयु तक परीक्षा में बैठ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो उम्मीदवार भारत से बाहर रहते हैं और उनके पास भारत की नागरिकता है तो वे लोग एसएससी सीजीएल के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम आयु 32 वर्ष तक होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी और सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।